तो दोस्तों हमारे सील मुर्गे के यार वो बाल उतरते जा रहे हैं, ये देखे ना गर्दन से इसके बाल उतरते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे यार किस वजह से इसके बाल उतर रहे हैं। तो पहले इसे पकड़ेंगे और फिर हम देखते हैं क्या बनता है। तो भाई बहुत कोशिश की है यार मैंने पकड़ने की, लेकिन यार ये मेरे हाथ ही नहीं आ रहा है। तो भाई किसी और दिन इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे या जब रात होगी तो इसे पकड़ लेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो यार कल जो हमने एग्जीबिशन की फीमेल का ट्रीटमेंट किया था, उसे अच्छे से ऑयल लगाया था और उसे खुराक वगैरह दी थी, तो माशाल्लाह से उसका अंडा रिजॉल्व हो गया और उसकी जान बच गई है। शुक्र है यार उसकी जान बच गई है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये देखें कल तो उससे बिल्कुल काटा भी नहीं था जा रहा, अब ये थोड़ी थोड़ी सी उड़ भी रही है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यार मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा भूखी थी तो मैं भाई मार्केट से जाके दाना लेके आया हूँ, अब इन्हें दाना डालते हैं। सुबह से इन्हें कुछ नहीं डाला। वो देखें कबूतर भी हमारे नीचे आ गए हैं, यहाँ पे बैठे हुए थे, इन्हें भी भूख लगी होगी, तो जल्दी से दाना निकाल के इन्हें जल्दी जल्दी से दाना डालते हैं। माशाल्लाह सारे परिंदे आ गए हैं, तब दाना खाएंगे। दोस्तों हमारे इस वाले खुमरे के माशाल्लाह दो अंडे हैं, ये देखें ये इसके नीचे अंडे हैं। तो ये यार ऐसे बैठी है कि भाई कभी भी इसके अंडे गिर सकते हैं, लेकिन भाई दुआ है कि इसके अंडे ना ही गिरे। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह हमारा चाइना डव का पेयर, बहुत ही प्यारा पेयर है, ये अंडा देने की जगह तलाश कर रहे हैं। पहले इसने यहाँ पे भी जगह बनाने की कोशिश की है, ये देखें आप, ये इसने तिनके रखे हुए हैं ताकि यार यहाँ पे घोंसला बना के ये अंडा दे देगी। तो इसके अंदर इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे खुमरा भी बैठा हुआ है, तो इसी वजह से इसने इसे अपना घर नहीं बनाया और वहाँ पे बैठी है ताकि यार कोई नया घर बनाया जा सके। तो देखते हैं क्या बनता है, ये अपना घर बनाने में कामयाब होती है या हमें ही इसका घर बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें यार माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये पकड़ने की कोशिश करता हूँ इसे। ओए काट ही ना ले यार मुझे, दोस्तों ये देखें माशाल्लाह तीन बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, तकरीबन चार दिन हो गए इन्हें बच्चों को अंडों से निकले हुए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं ये, तकरीबन दस या बारह दिन लगेंगे इन्हें, ये मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएंगे और उड़ने के भी काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे बाकी सारे परिंदे हैं, इन्हें उड़ाते हैं यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह। दोस्तों ये आपको पकड़ के दिखाते हैं, बहुत ही प्यारा पीस है एग्जीबिशन का, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पीस है। ये देखें इसके विंग्स चेक करें यार, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो दोस्तों जाके अपने कबूतरों को देखते हैं, एक कबूतरी ने अंडे दिए थे माशाल्लाह, तो देखते हैं क्या मतलब, ये फीमेल है ये जिसने अंडे दिए थे, कल आपने देखा होगा ये बाहरी फिर रही थी, ये देखें माशाल्लाह मारने की कोशिश भी कर रही है। इसके नीचे माशाल्लाह तीन अंडे हैं, तीन चार हैं, चार हैं माशाल्लाह, चार हो गए हैं, एक और अंडा इसने दिया माशाल्लाह, चार अंडे हो गए हैं इसके नीचे। एक तो मुर्गी का है, मुर्गी का अंडा हमने भाई इसके नीचे रखा हुआ है, मुर्गी ने इसके डरबे के अंदर जाके अंडा दिया था तो हमने इसे उठाया नहीं, अभी तक अंडा इसके नीचे पड़ा, तो देखते हैं क्या बनता है, शायद इसमें से बच्चा निकल आए यार। ये बाकी कबूतर हमारे यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें बाहर निकालते हैं, ये मेल है माशाल्लाह, इसे रंग देते हैं बाहर, और भी निकालते हैं, ऐसे 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 आ जाओ आ जाओ, चलो ये आ गया, इसे भी पर निकाल दे, ओए इसके पर हैं, ये देखिए वो भी आ गया, ये एक रह गया, इसे हम पकड़ के निकाल लेंगे, ये निकला माशाल्लाह। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम।